हेलो चिल्ड्रन, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 से चतुर्था पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरुतो निधेय चरणम, अर्थात सदा कदम को आगे बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्डेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है, अर्थात यह गीत श्रीधर भास्कर वर्डेकर द्वारा लिखा गया है। इस गीत में मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वे एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने का और कर्मठता का संदेश दिया है। बच्चों, आइए अब इस गीत के अर्थ को समझते हैं। चल चल पुरुतो निधेय चरणम, सदैव पुरुतो निधेय चरणम। चल का अर्थ होता है चलो और पुरुतो अर्थात आगे, निधेय अर्थात रखो, चरणम चरणों को, पैरों को या कदम को। तो चलो अपने पैरों को, अपने कदमों को आगे रखो। सदैव पुरुतो निधेय चरणम, सदैव अर्थात हमेशा, पुरुतो आगे, निधेय रखो, चरणम अर्थात पैरों को, सदैव अपने पैरों को आगे रखो। तो इसका पूरा अर्थ हुआ चलो अपने कदमों को आगे रखो, सदैव अपने कदमों को आगे रखो। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरुतो निधेय चरणम। गिर शिखरे का अर्थ होता है पर्वत की चोटी पर, नन अर्थात निश्चय ही, निज निकेतनम, यहाँ भी दो शब्द है, निज अर्थात अपना और निकेतन का अर्थ होता है घर। तो पर निश्चय ही पर्वत के शिखर पर अपना घर है। विनैव यानम, विनय अर्थात बिना, यानम साधन के, सवारी के, नगारोहणम, यहाँ दो शब्द है, नग धन आरोहण, नग का अर्थ होता है पर्वत और आरोहण अर्थात चढ़ाई करना। तो बिना किसी यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम, बलम अर्थात बल या शक्ति, स्वकीयम अर्थात अपना, तो अपना बल ही भवति अर्थात होता है, साधनम साधन, अपना बल ही साधन होता है। फिर से देखिए, पर्वत की शिखर, निश्चय ही पर्वत के शिखर पर अपना घर है, बिना किसी यान के ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन है। सदैव पुरुतो निधेय चरणम, इसलिए सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। पथ पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरुतो निधेय चरणम। पथ का अर्थ होता है मार्ग, पाषाणा पत्थर, मार्ग में पत्थर, विषमा अर्थात उबड़ खाबड़, प्रखरा बड़े या नुकीले, तो मार्ग में उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर है। हिंसा पशवा, हिंसा अर्थात भयानक, और पशवा पशु, भयानक पशुओं से, परितो अर्थात चारों ओर से, घोरा घिरा हुआ है, वह जो पर्वत है वह चारों ओर भयानक पशुओं से घिरा हुआ है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम जो कठिनाई से, वहां जाना बहुत ही कठिन है, खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम जाना, यद्यपि वहां जाना बहुत ही कठिन है, दुष्कर है। सदैव पुरुतो निधेय चरणम,
इस अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। इसलिए मार्ग में बहुत ही उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं और वह चारों ओर भयानक पशुओं से घिरा हुआ है। वहां जाना निश्चय ही बहुत ही मुश्किल है, फिर भी अपने कदमों को सदैव आगे बढ़ाते रहो। जही भीतिम भज भज शक्तिम विधेय राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुर कुर सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेय चरणम। जही का अर्थ होता है त्याग, त्यागना, और भीतिम डर, तो अपने भय का, अपने डर का त्याग करो। भज भज, भज का अर्थ होता है जपना, और शक्तिम शक्ति को, तो अपनी शक्तियों को याद करो, डर का त्याग करो और अपनी शक्तियों को याद करो। विधेय का अर्थ होता है करो, और राष्ट्रे राष्ट्र से तथा, और अनुरक्तिम अर्थात प्रेम, और अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुर कुर सततम ध्येय स्मरणम, कुर कुर अर्थात करो, सततम निरंतर, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, स्मरणम याद करना, तो सदैव अपने लक्ष्य को याद करो। सदैव पुरतो निधेय चरणम, सदा अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।